डीएपी खाद को लेकर आज पूरे दिन मची मारामारी। भीड़ की गुस्सा को देखते हुए मौके पर पहुंची पुलिस ने टोकन के माध्यम से वितरण कराई खाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीटीवी 24 न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ सना हुसैन। बरेली के नगर सिरौली में डीएपी खाद को लेकर आज इफ्को किसान सेवा केंद्र पर सुबह से ही भारी संख्या में जुटी किसानों की भीड़ को लेकर अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालात इस कदर बदतर हो गए कि खाद पहले लेने को लेकर भीड़ आपस में धक्का मुक्की करने लगी। खराब माहौल को भाप कर किसान सेवा केंद्र प्रभारी ने इसकी सूचना थाने में दी। सूचना पर कोतवाल राजेश कुमार ने तत्काल भारी पुलिस फोर्स के साथ नगर के हल्का प्रभारी एसआई मोदी सिंह एवं कांस्टेबल अक्षय कुमार गिल, कांस्टेबल अंकित सिंह होमगार्डों द्वारा सहित वहां पहुंचे। यहां पुलिस ने किसानों के गुस्साए मूड को भाप कर उन्हें बमुश्किल समझाकर शांत किया। ऑनलाइन से टोकन के माध्यम से खाद वितरण कराने का आश्वासन देकर शांत कराया गया, खाद का वितरण कराया। ये सुबह से 8 बजे से ही खाद लेने के लिए आंवला रोड पर स्थित इफ्को किसान सेवा केंद्र पर पहुंच गए थे और लाइन से खाद लेने की व्यवस्था की गई, लेकिन किसानों का आरोप था कि किसान लाइन में खड़े रहे और बड़े रसूखदार लोग जमकर विन लाइन के खाद लेकर जाने लगे। तभी किसानों के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने जमकर हंगामा शुरू कर दिया। हालांकि बाद में पुलिस ने अपनी मौजूदगी में खाद का वितरण कराकर किसानों की गुस्सा शांत की। ये बता दें कि इस समय गेहूँ, आलू, लाही फसलों की बुआई का समय होने के कारण किसान को खाद की आवश्यकता है। सिरौली से बरेली से देखिए पूरी रिपोर्ट रामू कठेरिया के साथ। क्या नाम है आपका? उपराम। कहाँ रहते हैं? सिरौली। आज आप यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ साहब खाद लेने। सिरौली में? सिरौली में खाद लेने आया, 10 बजे से पड़े हैं। तो खाद मिला नहीं? खाद ही नहीं मिल रहा है, और लोग ले जा रहे हैं, मोटे मोटे आदमी, छोटे आदमी नहीं मिल रहे आपको। अच्छा, कितने बजे से लाइन में लगे हैं? 10 बजे से। और अभी तक आपको? अभी तक मिला ही नहीं है खाद। नहीं मिला है? आप बैठे हैं लाइन से, गैर लाइन बैठे हैं। अच्छा।